वेलकम बैक फ्रेंड्स, हृदय इन्वेस्टमेंट लैब में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि मैंने आपके साथ जो लेटेस्ट अपडेट लेकर आता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। और इंटरनल डिस्कशन के लिए आप हमें ज्वाइन जरूर करें। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एयू फाइनेंस बैंक के शेयर के बारे में, यानी कि एयू बैंक के शेयर के बारे में, जो कि इस कंपनी ने अपना रिजल्ट क्लियर कर दिया है और इसका चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो देखते हैं इसका आज का रिजल्ट क्या रहा है और कैसा रहा है। तो देखिए गाइस, मैंने आपके सामने इसका जो है रिजल्ट क्लियर कर रखा है और खोल रखा है, और आप देख सकते हैं इसका चार्ट टोटल इनकम रहा है वो आप देख सकते हैं, ये 153,768 देखने को मिल रहा है, जो टोटल इनकम जो है फर्स्ट इस क्वार्टर का आप देख सकते हैं। अगर पिछले क्वार्टर का बात करें तो आप देख दीजिए ये आपको 156,901 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर पिछले क्वार्टर से अपेक्षा इस क्वार्टर की करें तो आपको थोड़ा डाउन, यानी कि एक तरह से फ्लैट देखने को भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में। अगर बात करें ईयर एंड ईयर की तो आप देखते हैं ये 140,991 आपको देखने को मिल रहा था, जो कि अगर ईयर एंड ईयर को भी कंपेयर करें तो आपको इस बार कुछ ज्यादा ही एडवांस देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर बात करें इसका टोटल एक्सपेंडिचर की, तो गाइस आप देख सकते हैं जो कि इस कंपनी ने ज्यादा इनकम किया है, यानी कि इस बार का जो इनकम किया है तो उसका खर्च भी बनता है। तो आप देखते हैं इस कंपनी ने जो है इस बार आपको खर्च ये क्लियर किया है, तो 108,643 का इसने जो है एक्सपेंडेबल देने के खर्च देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके पिछले क्वार्टर की तो आप देखते हैं 119,520 देखने को मिल रहा था, जो कि अगर पिछले क्वार्टर में जो इनकम ज्यादा की थी इसलिए खर्च भी आपको ज्यादा देखने को मिल रहा था, इस बार जो है थोड़ा आपको कम देखने को मिल रहा है इनकम, इसलिए आपको खर्च भी थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन खर्च की बात करें तो पिछले क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा खर्च देखने को मिल रहा है इस ईयर के, यानी कि इस क्वार्टर के अपेक्षा। अगर बात करें पिछले ईयर की तो आप देखते हैं 96,432 देखने को मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर के अपेक्षा पिछले क्वार्टर में, यानी कि इस अपेक्षा इस ईयर के अपेक्षा पिछले ईयर में आपको बहुत ही अच्छी खर्च देखने को मिल रही है, बहुत कम खर्च देखने को मिल रही है। तो गाइस खर्च का इनकम कम थी इसलिए खर्च भी कम देखने को मिल रही है, इनकम ज्यादा तो खर्च ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। इस बार जो है खर्च भी आपको कम देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में, और काफी अच्छी इनकम भी देखने को मिल रही है। तो जैसे कि देखा गया आपने, इस कंपनी ने जो इनकम किया उसके बाद जो भी खर्च किए उसके बाद जो इसका बचा नेट प्रॉफिट क्या हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 20,319 देखने को मिल रहा है, जो कि इस कंपनी का इस बार का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इसके पिछले क्वार्टर का, यानी कि क्या रहा है नेट इनकम, तो आप देखते हैं इसका जो है नेट प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर का 16,897 देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में बात करें तो काफी एडवांस आपको देखने को मिल रही है, काफी इंक्रीज इसका जो है प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अगर पिछले ईयर की बात करें तो आप देखते हैं 20,080 देखने को मिल रहा था, जो कि काफी अच्छी आपको इसमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रही थी, कम थी इनकम कम थी खर्च और प्रॉफिट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। इस बार भी जो है आपको थोड़ा इनकम भी बढ़ा है और खर्च भी देख रहे हैं, लगभग ईयर एंड ईयर में आपको एक तरह से फ्लैट देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो आप देखते हैं काफी अच्छी इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है इसकी प्रॉफिट में। और अगर बात करें इसका ईपीएस की बात करें तो आप देखते हैं इसका जो ईपीएस है, यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 6.50 देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो आप देखते हैं 5.49 देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपको काफी एडवांस देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले ईयर की तो आप देखते हैं 6.58 देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर एंड इस ईयर की कंपेयर करें तो आपको एक तरह से फ्लैट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा था, जो कि इस बार काफी एडवांस देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं काफी अच्छी इनकम और प्रॉफिट भी देखने को मिल रही है। तो अगर बात करेगा इसका एनपीए की, इसका यानी कि टोटल एनपीए, यानी कि नेट एनपीए जो इसका रहा है वो आप देख सकते हैं, इसको इसका एनपीए जो है वो 76,598 देखने को मिल रहा है। अगर बात करें पिछले इसके क्वार्टर की तो 75,545 देखने को मिल रहा था, जो कि आप देख रहे इसका जो है इनकम कुछ ज्यादा था इसलिए आपका एनपीए आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें इसका इस बार जो है इनकम भी कम है, लेकिन फिर भी आपका एनपीए थोड़ा ज्यादा देखने को मिले, तो इसकी असर थोड़े आपको शेयर पे पड़ सकती है, लेकिन अगले दिन शेयर पे फोकस जरूर करें, अगले दिन आपको कुछ ज्यादा ही असर देखने को मिलेगी अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि इस बार जो है इस शेयर ने प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही किया है। तो गाइस इसका जो है ईयर एंड ईयर का इसका एनपीए क्लियर करते हैं, तो आप देखते हैं ईयर एंड ईयर का जो इसका एनपीए है वो 16,318 देखने को मिल रहा है, जो कि इस जो ईयर में अगर बात करें तो कुछ ज्यादा ही नहीं गाइस, बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है इसका एनपीए। बनाने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए और नए नए अपडेट्स पाने के लिए आप हमें ज्वाइन जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।